इंग्लिश अल्फाबेट्स अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके जैसे बैंक में भी आते हैं, तो एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, हर जगह ये आते हैं। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, इसे किस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं और इसके लिए हम कौन से शॉर्टकट नियम को अपनाएंगे, आइए इस पर जरा हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने स्क्रीन पे चार शब्द लिखा हुआ है, इसे याद करेंगे। FLRX क्या है? FLRX, और उसके ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है 6, 12, 18, 24। अर्थात कहने का मतलब, अगर ABCD करके आप लिखते हुए जाते हैं तो F जो है उसकी छठी पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन है, L जो है वो 12 पोजीशन है, R जो है 18 पोजीशन है, X जो है 24 पोजीशन है। और देखिए, ये सिक्स के गुणक हैं, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 4 × 6 = 24। तो FLRX, इससे जो है हम किसी भी शब्द के पोजीशन को हम जानेंगे। जैसे हम पकड़ लीजिए, नीचे दिया हुआ है, देखिए P की पोजीशन क्या है। अगर हम ABCD करके पूरा लिख के जाते हैं तो P की पोजीशन क्या है, तो ये P की पोजीशन अगर जानने के लिए हम जानते हैं कि L के बाद ही P होता है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम करेंगे, पहले हम उंगली पे गिनेंगे, LMNOP। देखिए, हमने L से शुरू किया है, LMNOP मतलब पांचवी पोजीशन है, तो हम L की पोजीशन क्या थी? 12। तो 12 और तो हम क्या गिनेंगे? पांचवी पोजीशन। तो उंगली पे कैसे गिनेंगे? 12, 13, 14, 15, 16, अर्थात P की पोजीशन होगी 16। उसी तरह देखिए, K की पोजीशन है, K हम जानते हैं कि F के बाद है, L के पहले है, तो हम कहां से गिनेंगे? F से गिनेंगे, ठीक है ना? तो F से गिनेंगे, तो पहले हम उंगली पे गिनेंगे, FGHIJK, मतलब छठी पोजीशन है F से। तो फिर करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब K बराबर 11 होगा। फिर हम देखते हैं T की पोजीशन कितनी होगी। T की पोजीशन के लिए क्या होगा? हम जानते हैं R के बाद T आता है, ठीक है, तो हम करेंगे RST, तीसरी पोजीशन है। फिर हम क्या करेंगे? R को फिर से बोलेंगे 18, R की पोजीशन 18, 19, 20, तो T की पोजीशन जो हुई 20 हो गई। अब W की पोजीशन, W की पोजीशन भी हम जानते हैं R के बाद होता है, तो पहले हम क्या गिनेंगे? R से गिनेंगे, RSTUVW, मतलब छठी पोजीशन है। तो फिर हम गिनना शुरू करेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, अर्थात W की पोजीशन 23 हो गया। इसे एक बार आप तरह तरह के संख्या को लीजिए, मैंने डिजिट को सॉरी अल्फाबेट्स को लीजिए, अल्फाबेट्स को लेके खुद काउंट कीजिए, और यहां से तभी बढ़िएगा जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। तो यह है, फिर इसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा, इसके सारे सवालों को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने P, फिर से मैं दोहराता हूं, P कैसे गिना था? P हम जानते हैं किसके बाद आता है? L के बाद आता है। तो हमने क्या किया था? L से स्टार्ट किया था गिनना, LMNOP पांचवी पोजीशन। फिर 12 से काउंट करते हैं, क्योंकि L 12 की पोजीशन थी, 12, 13, 14, 15, 16, तो P 16 हो गया। उसी तरह हमारा K 11 हुआ था, उसी तरह T 20 हुआ था, W आपका 23 हुआ था। देखिए, हमने पहले स्लाइड में जो है, अगर ABCD डायरेक्ट लिखा हुआ है ऊपर, अगर 1, 2, 3, 4 करके देखिए 26 तक जैसे लिखा हुआ है, तो हमने उसका पोजीशन हम जान लेते हैं। जो हमने कैसे जानना है वो हमने पहले स्लाइड में हमने आपको दिखाया है। लेकिन अगर रिवर्स काउंटिंग करना है, रिवर्स काउंटिंग का मतलब है, देखिए नीचे जैसे दिया हुआ है, जेड के नीचे 1 है, मैंने उल्टा गिनती करते हैं, जेड को 1 मानते हैं, वाई को 2 मानते हैं, एक्स को 3 मानते हैं, वैसे में अगर किसी की पोजीशन रिवर्स काउंटिंग में कैसे निकालना है, तो उसे हम चलिए देखते हैं उसे कैसे करेंगे।
तो पहले रिवर्स काउंटिंग हम कैसे करेंगे? देखिए ए बी सी डी ये आपका सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जब गिनती गिन रहे हैं तो Z को 1 ले रहे हैं, Y को 2 ले रहे हैं, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो उसमें हम रिवर्स काउंटिंग कैसे करेंगे ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए नीचे के एग्जाम्पल को देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए हमने U, तो पहले जो है U को अगर सीधे पोजिशन में करेंगे तो उसकी काउंटिंग क्या होगा अपने को जानना है। पहला क्या है U की काउंटिंग सीधे में क्या होगा, हम जानते हैं कि R के बाद U आता है, तो हम क्या करेंगे R S T U, ठीक है R S T U, तो R के बाद तो R को लेके अपने को काउंट करना है R 18, 19, 20, 21, तो U की सीधे में जो है वो 21 नंबर पोजिशन होगी। तो उल्टे में मतलब अगर Z को एक मान के करेंगे तो देखिए एक निश्चित संख्या है 27, 27 में से U की जो सीधे पोजीशन है उसको हम लेस कर देंगे, तो 27 में से हम 21 को लेस कर देंगे तो U की पोजीशन आपकी 6 होगी। उसी तरह हम देखिए H की पोजीशन, H की रिवर्स काउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें H की जो है नॉर्मल जो काउंटिंग की पोजीशन पहले निकालनी पड़ती है। तो एज की नॉर्मल काउंटिंग क्या करेंगे, हम जानते हैं एज कितने नंबर है पे है जानने के लिए क्या करेंगे, एफ के बाद ही एच आता है, तो एफ जी एच उंगली पे की देखा कि थर्ड पोजीशन है, फिर कहां से गिनेंगे, 6 से गिनेंगे, 6, 7, 8, तो एज की जो सीधी पोजीशन है वो 8 नंबर पे है। तो रिवर्स काउंटिंग अगर करेंगे, अगर जेड को 1 करके लेंगे तो क्या होगा, 27 में से हम 8 को लेस कर देंगे, तो रिवर्स काउंटिंग में एज की पोजीशन क्या होगी, 19 होगी, 19 होगी। जो आपने ऐसे भी हमने जो रिवर्स काउंटिंग में भी रखा हुआ है तो देखिए वो आपको दिख ही रहा है। अब आइए रिवर्स पोजीशनिंग की बात करते हैं। देखिए हमने पहले जो था, पहले स्लाइड में क्या था, ए बी सी डी हमने सीधा लिखा हुआ था, लिखने के बाद हम जब नंबरिंग करना था तो हमने उल्टा रिवर नंबरिंग किया था, जेड को 1 माना था और ए को हमने 26 माना था। अब देखिए हमने यहां पे क्या है, ए बी सी डी उल्टा करके लिखा हुआ है, जेड से शुरू होता है ए में खत्म होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स पोजिशनिंग। रिवर्स पोजिशनिंग का मतलब होता है कि अल्फाबेट्स को ही उल्टा करके सजाया गया है। अब इस रिवर्स पोजीशनिंग में अब देखिए दो तरह से है, एक देखिए रिवर्स पोजीशनिंग भी है अल्फाबेट्स और नंबरिंग भी रिवर्स में हुआ है, जो ऊपर में आप देख रहे हैं A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है करके Z26 है। लेकिन देखिए यहां पे दूसरा भी नीचे जो लिखा हुआ है वो देखिए कंप्लीटली आपका दोनों ही रिवर्स है, मतलब Z से A शुरू किया गया है और जब नंबरिंग किया है तो ये आपका Z को 1 लेते हुए A को 26 नंबर कर दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में हम कैसे क्या पता लगाएंगे, तो सीधी सी बात है, भी अगर उल्टे में है तो क्या पोजीशन होगा, भी अगर उल्टे में भी है तो हम भी को कैसे करेंगे, भी की पोजीशन को हम कैसे जानते हैं, R के बाद भी होगा तो हम R S T U B, R S T U B मतलब फिफ्थ पोजीशन है, फिर गिनती कहां से गिनेंगे, 18 से गिनेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, तो V की पोजीशन 22वीं होगी। जब हम A रिवर्स में लिखा हुआ है, काउंटिंग भी रिवर्स में A को 1 लेके करते हैं, और जब हम काउंटिंग Z को 1 लेके करेंगे तो क्या होगा, 27 से 22 हम जस्ट हम माइनस कर देंगे, तो अगर हम सीधे काउंटिंग करेंगे तो भी की पोजीशन फिफ्थ आएगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन में आएगा ये अभी जितना सीधा लग रहा है बाद में ये उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर देता है, तो इन्हें बराबर आप जान लें, इसे बराबर हम प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका कलम जो है परीक्षा हॉल में किसी भी तरह से नहीं रुकेगा। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है इस काउंटिंग को, प्लीज इसे करने के बाद ही 2-3 को आप ले लीजिए, जैसे ई ले लिया, जैसे हमने ई का क्या है, अगर हम ई को हम जानते हैं ई की फिफ्थ पोजीशन है क्योंकि एफ की पोजीशन 6th है और ई की पोजीशन 1 पहले होता है तो ई 5 होगा, और अगर हम
इसको रिवर्स में लिखा हुआ है लेकिन स्ट्रेट में काउंटिंग करते हैं तो ये ई की पोजीशन क्या होगी, 27 से 5 कब हम लेस कर देंगे तो क्या होगा, 22वें पोजीशन पे हमें ई मिलेगा 22nd पोजीशन में। तो फिर ये चीज को फिर से देखिए, फिर से कीजिए और करने के बाद ही प्लीज आगे बढ़िए। अब जरा इस सवाल को देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं तरफ सातवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से दाएं छठा पड़ा होगा, फिर दाएं मतलब आगे की तरफ ही बढ़ना है। देखिए बाएं मतलब लेफ्ट से राइट, सिक्स पोजीशन में क्या एफ है, एफ के बाद फिर आपको राइट पोजीशन में जाना है। राइट पोजीशन का मतलब कि एफ के बाद वाले संख्या में जाना है। फ्रॉम लेफ्ट टू सिक्स मतलब एफ आपका सिक्स है, अभी हम देख ही रहे हैं, ये हमारे पास तो जाना हुआ है और उसके बाद से आपको सात पोजीशन और जाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए फिर से बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिक्स पोजीशन, देन अगेन राइट मतलब फिर हम आगे की बढ़ेंगे। तो सिक्स प्लस सेवन क्या होगा, 13, 12 है क्या है, L है, L के बाद क्या होता है, M होता है, तो 13th will be the M, answer is the M, very simple, कुछ भी आपने कलम का प्रयोग नहीं किया, simply आप करके निकल गए। अब इस सवाल को देखें, विपरीत क्रम में लिखी गई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाई ओर तीसरा अक्षर कौन सा है। देखिए पहले तो एक चीज को ध्यान दीजिए, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है मतलब जेड से चालू हुआ है ए में हुआ है, तो हमने नीचे जानबूझ के इसको लिखा हुआ है, ये सबको बनाने की तो आपको जरूरत है ही नहीं है। मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू 20th देन राइट टू थर्ड, तो हमने पहले भी देखा था लेफ्ट टू राइट देन राइट मतलब आगे ही बढ़ते हुए जाना है। तो फिर क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू 20th तो 20 हुआ, फिर बोला और दाएं जाओ तो 3 जाओ तो 23 हुआ, 23 तो 23rd पोजीशन है, लेकिन अक्षर जो लिखा हुआ है वो क्या है, उल्टा में लिखा गया है। तो हमें क्या है कि 23rd अगर है तो हमें दाएं तरफ से कौन सा अक्षर होगा, क्या कि दाएं तरफ से मेरा राइट साइड से ए बी सी डी चालू हुआ है, तो दैट इज 27 माइनस 23 बराबर 4th, एंड 4th इज आई वी नो दैट इज द डी पोजीशन, क्या है कि ए बी सी डी, तो दिस विल बी द डी। तो देखो हमने एफ एल आर एक्स की तो जरूरत होता ही है, तो हम अगर इसको तो जानबूझ के मैंने जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी करके जो लिखा हुआ है उसको जानबूझ के आपको जस्ट समझने के लिए है, आपको तो खाली एफ एल आर एक्स लिखना है, फिर है आपको मनी मन करना है कि भैया लेफ्ट टू राइट 20 गया, फिर राइट से और 3 चला गया तो 23 हो गया, क्योंकि उल्टा में लिखा हुआ है तो क्या होगा, 27 से मेरे को 23 माइनस करना होगा तो 4 होगा, 4 सीधे में है हो जाता है, तो 4 का पोजीशन कितना होगा सीधे में, अगर एबीसीडी लिखा हुआ तो 4 का पोजीशन डी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं और बहुत ही सुविधापूर्ण वर्ग से निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपके पास भी जो बुक्स होंगे उससे आपको बार बार इसका क्या कहते हैं कुछ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, आपके दिमाग में पूरा मैटर सेट कर जाता है। मैथ में कमजोर होना एक स्वाभाविक घटना है। जी हां, अगर आप मैथ में तेज भी हैं तो भी इस तरह के एग्जाम देने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है कि आपको 80-90% टाइप्स ऑफ मैथ को जानना काफी जरूरी होता है। तो अगर आप सारे चैप्टर जो 36 चैप्टर्स की आप बात करते हैं, जिस सारे चैप्टर्स को अगर आप मैथ में आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हर टाइप्स को जानना है, तो कम से कम आपको 1500 से ऊपर मैथ को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो बहुत ही कम लड़के में ये ताकत होता है। यहाँ जो देखिए व्हाट्सएप से जो क्लास करने की बात हो रही है वो एकदम हर जो जो भी पढ़ाया जाता है उससे एकदम अलग है, जिसके लिए मैंने इसमें लिखा हुआ है अभिनव पद्धति से। देखिए आपको अगर आधे मिनट में तेजी के साथ मैथ करना है तो आप में दो क्षमता होना चाहिए,
पहला, किसी मैथ को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि केवल आधे से पौने एक मिनट में अगर मैथ करना है तो आप उसमें सोचने की गलती नहीं कर सकते हैं। आपने मैथ देखा, आपका कलम चलना चाहिए, यह पहला है। दूसरा है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। मेरी जो मैथ को ऑनलाइन जो क्लास लेता हूं, जो व्हाट्सएप के ऊपर निर्भरशील है, उसमें है इस दो बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसके लिए एक अलग तरीके से इसको हम करवाते हैं। ऐसे देखिए तो 20 दिसंबर का एक बैच शुरू होने वाला है जिसमें टोटल फी 1500 है, केवल 500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन वही 1 जनवरी का जो बैच हो जाता है उसमें डिस्काउंट 700 रुपये है, फी आपका 800 रुपये है। 15 जनवरी का जो बैच है उसमें डिस्काउंट केवल 500 रुपये होता है, टोटल फी 1000 रुपये होता है, और 30 जनवरी से कोई डिस्काउंट नहीं होता है, टोटल फी 1500 रुपये होता है। लेकिन मुकाम क्या है, कहाँ पहुँचना है? देखिए, आप मैथ में कमजोर हैं तो कहने का मतलब है, फिर से दोहराता हूं, जब सवाल आपके सामने आता है आपको यह पता नहीं चलता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको करना आता तो आप मैथ में कमजोर नहीं होते, और मगर मैथ करना भी है, आधे मिनट में करना है, तो तेजी से गुना भाग जोड़ घटाव करने की क्षमता आप में होना चाहिए। तो इस क्लास का जो है, ये ऑनलाइन क्लास का जो है, इसके केवल दो मकसद हैं कि आप कोई भी किताब उठा लें, 80% से ज़्यादा मैथ को आपको देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है, और जो भी करना है बिजली की गति से करने की ताकत होना चाहिए। तो ये मकसद है, अगर कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पे आप संपर्क करें, फोन नंबर भी दिया हुआ है उसमें भी संपर्क कर सकते हैं और अपना सीट आप बुक करवा सकते हैं। तो देखिए, ये था कि चूंकि मैं क्लासेस भी लेता हूँ तो इसके लिए ये मैंने आपको जस्ट जानने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन किया। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम रीजनिंग के क्लास को करते हैं। इस सवाल को देखें, ये तो बेसिकली बैंक स्पेशल है, लेकिन 2013 में ये एसएससी में भी आया हुआ था, सीएचएसएल में, तो और ये बैंक के क्लर्क का तो ये स्पेशल है एकदम। तो देखिए, ए बराबर 1 है तो कैट बराबर 24 है, तो जरा हम देख लेते हैं, सी 3 है, ए 1 है, और टी कितना होगा? टी का मान हम पोजिशन मान देख लेते हैं, आर एस टी आर 18 19 20, तो 20 और एक 21 और 3 24, तो मतलब है कि पोजीशन की जो है, अगर डायरेक्ट लिखा हुआ पुलिस जो है उसकी पोजीशन वैल्यू निकालनी है, तो चलिए हम निकालते हैं पी। पी हम जानते हैं एल के बाद होता है, तो L M N O P मतलब फिफ्थ पोजीशन, 12 से गुना गिना करते हैं, 12 13 14 15 16, चलिए P 16 लिख दिया। अब आते हैं O, हम जानते हैं L के बाद ही O आता है, तो L M N O फोर्थ पोजीशन, 12 से गिनते हैं, 12 13 14 15, चलिए O 15 लिख दिया। अब आते हैं L तो 12 लिखा ही हुआ है। फिर आते हैं I क्या जानते हैं, F के बाद आता है, तो F D H I फोर्थ पोजीशन, 6 से गिनना चालू करेंगे, 6 7 8 9, I बराबर 9। C 3 है, A 1 B 2 C 3, और E हम भी जानते हैं फिफ्थ पोजीशन है, तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 60 होता है, पुलिस का मतलब होगा पुलिस इज इक्वल टू द 60। इस सवाल को बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, तो चलिए हम जानते हैं ए का पहला पोजीशन है, सी का 3 नंबर पोजीशन है, अब बदल गया तो क्या हुआ, ए 3 नंबर पोजीशन में चला गया, तो ए अपने पोजीशन से कितना बढ़ोतरी हुई, 2 पोजीशन बढ़ोतरी हुई। पुनः बी और डी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, तो फिर से सोचते हैं, बी 2 नंबर है, डी 4 नंबर है, अदल बदल हो गया तो बी का पोजीशन अब क्या हो गया, 4 नंबर, बी का पहले का पोजीशन क्या था, 2, तो बढ़ कितना गया, +2। पुनः ई और जी अपना स्थान वापस आपस में बदल कर ले, बदल अदल बदल कर ले, तो यहां भी मामला वही हुआ,
जी का पोजीशन कितना है, ई का पोजीशन 5 नंबर है, तो ई का पोजीशन जब अब जब अदल बदल हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा, मतलब 2 नंबर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार एफ और एच भी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले। तो हम तो जानते ही हैं कि हमारा जो कहानी शुरू होता है एफ से है, एफ एल आर एक्स है, तो एफ 6 नंबर है तो यहां 8 नंबर हो जाएगा। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद अक्षर पी का पी के बाई ओर मतलब पी के लेफ्ट साइड में थर्ड लेटर कौन सा होगा, पी के दाई तरफ, पी के लेफ्ट, पी के लेफ्ट। अब देखो पी की पोजीशन पहले क्या क्या है यह हमें जानना है। तो हम पी क्या जानते हैं, हम तो जानते हैं हमने एफ एल आर एक्स लिख दिया। पी क्या है, आर के बाद है, सॉरी आर के पहले आता है। तो हम चलिए हम गिनना शुरू करते हैं पी की पोजीशन कितना है। एल एम एन ओ पी, फिर से बोलता हूं एल एम एन ओ पी, मतलब एल को 12 से गुनाएंगे, 12 13 14 15 16। तो पी की पोजीशन क्या होगी, 16 होगी। पी की पोजीशन क्या होगी, 16 होगी। पी का क्रमांक मान 16 है, लेकिन हम जानते हैं कि पी की 16 है तो पी जब पी अब तो जैसे पी सी पीछे चला गया था, ए आगे गया था, तो सी कितना हुआ था, पीछे हो गया था। देखिए ए का मान अगर 3 बना था तो सी का मान जब पीछे चला गया था तो कितना हो गया था, उसमें से सी का 3 में से 2 घटाने से 1 हो गया था। उसी तरह बी का मान जब 4 हो गया था तो डी का मान क्या था, 2 से आपको फिर 2 घटाना पड़ेगा, इसी तरह करना पड़ेगा। इस तरह यहां पे पी का मान क्या निकला, 16 निकला भाई साहब। तो 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा। तो पी की पोजीशन क्या होगी, यहां पे 14 हुई। 14 में से और हम 3 हम पीछे जाते हैं, 14 में से 3 पीछे जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि बाएं तरफ 3 है तो 14 से 3 हम घटाएंगे तो 11 होगी। अब हमारे 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे जो अगर हम देखते हैं तो 12 नंबर पे अगर आपका एल है तो 11 नंबर पे क्या होगा, आई जे के एल, 11 नंबर पे के होगा। लेकिन हम जानते हैं ये के जो है बेसिकली अब के वहां पे नहीं है, के 2 संख्या और पीछे जा चुका है। देखिए जो आगे वाला वो पीछे जा रहा है ना, तो के का जगह पे हम 2 संख्या और घटाएंगे, क्योंकि के को ढूंढ के निकालना है। तो के की अभी संख्या पोजीशन कहां होगी, 9th पोजीशन होगा, तो 11 में से 2 घटाए तो 9 हुआ, तो के की पोजीशन, तो हमें उस पोजीशन पे क्या मिलेगा, 9 जो है वहां पे आपको आई मिलेगा। चलिए इसको फिर से एक बार हम समझते हैं कि पी का जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 16। पी की पोजीशन क्या है, अगर अल्फाबेट में कोई आपका उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है तो पी का ओरिजिनल पोजीशन है 16, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, हम अगर एफ एल आर एक्स में देखते हैं, हमने एफ एल आर एक्स से आपको काउंट करके दिखाया है, एल के बाद पांचवा पोजीशन, एल एम एन ओ पी पांचवा पोजीशन, 12 को लेते हुए 16 होता है। लेकिन हमने देखा है कि यहां पे पीछे वाला संख्या में 2 बढ़ जाता है, तो हम पी की पोजीशन और आगे वाला संख्या 2 पीछे हट जाता है, तो नेचुरली क्या है कि पी क्या होगा, अब 16 से 2 घट के 14 नंबर पोजीशन में होगा। अब 14 नंबर पोजीशन से बोलता है कि अब बोलता है कि 3 बाएं तरफ जाओ, तो 3 बाएं तरफ जाएंगे तो 14 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 11 होगा। लेकिन ये 11 नंबर वाला जो अभी है वो 11 नंबर पोजीशन में तो वो लेटर नहीं है, क्योंकि 2 पीछे वाला लेटर आगे बढ़ के आ चुका है, तो 11 में से 2 और घटाएंगे तो 9th होगा। तो 9th पोजीशन में क्या होगा, तो 9th पोजीशन में हम फिर अपना एफ एल आर एक्स से हम काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद हम 9th पोजीशन हम जानते हैं, एफ 6 है, एफ 6 7 8 9 4 फोर्थ पोजीशन है, मतलब ई एफ एफ जी एच आई, मतलब आई इज द पोजीशन, तो वहां पे आई होगा। देखिए इसे बार बार सुने, थोड़ा सा ये करें, तो हमने क्या क्या, पहले चूंकि 2 संख्या बढ़ रहा था तो 16 की जो पोजीशन थी उससे 2 घटाया तो 14 किया, 14 से बोला कि 3 संख्या पीछे जाओ
तो वहां पे गया तो कितना हुआ, 14 से 3 घटाया तो 11 हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि हर संख्या अपने दो पोजीशन, हर अल्फाबेट अपना दो पोजीशन आगे बढ़ा हुआ है, तो वहां पे जो हमें 11 मिला वो हमें पता चलेगा कहां पे मिलेगा, वो ओरिजिनल संख्या क्या होगा, और दो पीछे होगा तो 11 से 2 घटाया, अब एक दो घटाया तो क्या हुआ, 9 हुआ, और 9 की पोजीशन में कौन सा है, तो फिर हम FLRX का हमने यूज किया, करने के बाद हमें पता चला उस पोजीशन में I होगा। इस सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर H और P के बीचों बीच आता है, मैं इसको फंसाओ प्रोग्राम बोलता हूं, अच्छे से अच्छे लोग इसमें गलती कर जाते हैं अगर वो इसको इस तरह के सवाल को नहीं किए होते हैं तो। चलिए, अगर आप जो हम जो आपको सिखाए थे FLRX, तो आपका H जो है नेचुरली F के बाद होगा, FGH, F छठा है तो 6, 7, 8 H इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर हम जानते हैं कि P जो है आपके L के बाद आता है, LMNOP, मतलब 12, 13, 14, 15, 16। अब देखिए H 8 है, P 16 है, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का बीच वाला पोजीशन कहां से निकलेगा, जी नहीं हुजूर आला, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको H से गिनना है, H तो H एक नंबर हुआ, तो वैसे अगर गिनेंगे तो आपके 9 लिखे भी रहेंगे, जैसे देखिए HIJKLMNOP, पी का 9th, अगर H को फर्स्ट लेते हैं तो पी आपका देखेंगे 9th पोजीशन है, तो बीच वाला क्या होगा, 5th पोजीशन होगा, 5th पोजीशन का मतलब फिर H से शुरू करें, HIJKL, द L इज द 5th पोजीशन, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, इस पे आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको मतलब डिलीबरेटली आपसे गलत करवाता है आंसर, इसको जरूर याद रखेंगे।